को नेशनल मीडिया नहीं कवर करती। खाली पॉलिटिकल पार्टियां का कोई प्रोग्राम होता है, बाकी कोई भी जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, जहां जहां पहलवानों का था जहां और भी चल रहे हैं, ये जो है ये सरकारी मीडिया बन के रह गया है। एक्चुअली तो जेड़ा ये चौथा स्तंभ होता लोकतंत्र का। मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस अ फ्यू डेज अगो, सो जस्ट एज वी सेलिब्रेट क्रिसमस, लेट अस नॉट फॉरगेट दोज हु ऑन आवर बॉर्डर्स हु आर गिविंग अप देयर लाइव्स, हु आर स्पेंडिंग यू नो दीस विंट्री क्रिसमस मॉर्निंग्स द विंटर टू प्रोटेक्ट अस एंड आवर नेशन। जी हाँ सैनिक भाइयों, एक तरफ जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब सैनिकों और वीर शहीदों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सीमा के ऊपर देश की रक्षा कर रहे हैं उनको हमें क्रिसमस पर नहीं भूलना चाहिए, वहीं 11 महीने से जंतर मंतर पर वही पूर्व सैनिक अपनी जायज हकों की मांगों के लिए बैठे हुए सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही। 1 जनवरी को रेल रोको आंदोलन होगा, इसकी ताज़ा खबर सुनिए। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप रेल रोको आंदोलन के बारे में और तमाम जो कल बड़ी बैठक हुई है उसको लेकर? मैं सुब्रह मेजर हरदीप सिंह रंधावा, प्रधान साहब का सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी बरनाला पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं सभी जो अभी जो बताया साहब ने कि जो रेल रोको प्रोग्राम रखा हुआ है जो 1 जनवरी 2024 को है और उसमें काला दिवस मनाने का भी सभी ऑल इंडिया के एक्स सर्विसमैनों को दिया गया है, उसके पीछे जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं हम इनके साथ हैं। जितनी ऑल ओवर इंडिया की क्षेत्रीय पार्टी हैं वो इनके साथ खड़ी है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को भी मैं सबका सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान होने के नाते उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी इकट्ठे हुए सभी के सभी जितनी नेशनल पार्टियाँ खास करके इंडिया के अंदर दो है जो साहब ने बोला वो जो है वो एक प्लेटफार्म इकट्ठे होंगी सभी के सभी और जो क्षेत्रीय पार्टियाँ वो भी उनके साथ मिल करके जो हम जो मूवमेंट हैगा हमारा उसको कामयाब करेंगे और जो रखा हुआ रेल रोको प्रोग्राम और जेकर इसको आगे पीछे करते हैं कोई भी अगला निर्णय लेते हैं उसके साथ साथ जितनी भी संस्था ऑल ओवर इंडिया की हैं वो इनके साथ है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जैसे करेगी सभी जितनी ऑल ओवर इंडिया की संस्था है वो इनके साथ। आप बैठे हुए हैं सबसे पुराने पूर्व सैनिक, आप कुछ कहना चाहेंगे? दो बोलो। तो अभी संख्या बल का अंदाजा नहीं लगाया सर जा सकता एक जो 1 जनवरी को आप लोग कर रहे हैं? देखिए संख्या बल का तो अंदाजा ऐसा कि स्टेट वाइज होगा और उसमें हम ये अभी नहीं बता सकते कि संख्या बल कितना होगा और बाकी हमारे को फोन आ रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं। फुल उम्मीद है कि ये जो हम 11 जगह ट्रेन रोकनी है वो फुली 100% सक्सेस होंगे जैसे कि 25 नवम्बर को हुए थे। अच्छा, क्या 25 तारीख के प्रदर्शन को आप लोग जहाँ एक तरफ सफल बता रहे हैं तो अफसर उस बात को इनकार कर रहे हैं कि कोई सफल नहीं था, संख्या बल भी कुछ खास नहीं था और ना आगे ना करना पड़ता रेल रोको आंदोलन? संख्या बल इसलिए खास नहीं था क्योंकि वो हमारे को हमारा गुप्त एजेंडा था, हमने पहले से जो मेमोरेंडम दिया था दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाम करना, पूरे देश के लोग आ रहे थे ट्रेनों में आ रहे थे लेकिन वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन इतना फोर्स लगी हुई थी जहाँ जहाँ भी लोग ट्रेनों से उतरे जहाँ कहाँ उनको अरेस्ट किया गया जहाँ इधर उधर किया गया और फिर हमने रातों रात जो प्रोग्राम चेंज करके हमारे को शंभू बॉर्डर के ऊपर करना पड़ा क्योंकि वो एक गुप्त एजेंडा था और जितने भी एक साइड से जो पार्टी आ रही थी वो उन्होंने ही प्रोग्राम किया, बाकी लोग कुछ दिल्ली में पहुंच गए दिल्ली से फिर वापस गए, कोई बौर केरला साइड से भी आए उनको भी काफ़ी मतलब हरासमेंट होना पड़ा क्योंकि प्रोग्राम अपसेट हो गया था। तो फिर भी असं जरा 25 नवंबर का प्रोग्राम सक्सैस मना वो प्रोग्राम करने के कारण ही जो हमारा जोड़ा आवाज़ नैशनल मीडिया से पहुंची है, नैशनल टीवी चैनल से साड़िया खबर आई ने सरकार तक गई है, नैशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई है, वो हमारा एक ट्रेलर था, अभी हम 1 तारीख को कर रहे हैं पूरा फुली। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया से नाराजगी क्या आप लोगों की बनी हुई है जिस प्रकार से वो आप लोगों की खबरें नहीं दिखा? मैडम आप यहाँ जंतर मंतर पे कितनी देर से आ रहे हो आपको पता होगा कि कभी भी कोई एजिटेशन जो है उसको नेशनल मीडिया नहीं कवर करती, खाली पॉलिटिकल पार्टियां का कोई प्रोग्राम होता है, बाकी कोई भी जितने भी संघर्ष चल रहे हैं जहां जहां पहलवानों का था जहां और भी चल रहे हैं ये जो है ये सरकारी मीडिया बन के रह गया है। एक्चुअली तो जेड़ा ये चौथा स्तंभ होता लोकतंत्र का।
मीडिया, लेकिन वो मीडिया अपनी फुली जी एक्चुअली ड्यूटी नहीं निभा रहा, खाली सरकार के हाथों खेल रहा है। इसी कई कारण है कि मीडिया हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है।